कांग्रेस आलाकमान के लिए जितने भरोसेमंद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कहा जाता है कि उतने ही भरोसेमंद राजस्थान है। अपने राजनीतिक कार्यक्रमों से लेकर व्यक्तिगत कार्यक्रम तक गांधी परिवार अक्सर राजस्थान का ही रुख करता है। अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान में ही है। ऐसे में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी गुरुवार को राजस्थान पहुंची। सोनिया गांधी के राजस्थान पहुंचने का कारण भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही उनका अपना जन्मदिन भी है। दरअसल आज सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन है। सोनिया गांधी अपना जन्मदिन राजस्थान के रणथंभौर में मनाएगी, जिसके लिए वो 4 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आई है। कहा जा रहा है कि जन्मदिन के बाद सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होगी। सोनिया गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी राजस्थान पहुंच गई हैं। सोनिया गांधी के राजस्थान आगमन के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम को भी छोटा कर दिया गया है। यात्रा का कार्यक्रम सिर्फ सुबह ही रखा गया। गुरुवार को ही राहुल गांधी भी रणथंभौर के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि गांधी परिवार रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास एक शानदार रिजॉर्ट सुजान शेरबाग में ठहरा हुआ है। संभावना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा उनके जन्मदिन पर उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। दो राज्यों के विधानसभा और राजस्थान के साथ ही अन्य प्रदेशों के उपचुनाव के नतीजों के बाद पूरा गांधी परिवार एक साथ है। संभावना है कि चुनाव परिणामों पर भी चर्चा हो सकती है। राजस्थान में बाई इलेक्शन के साथ ही हिमाचल प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की शानदार वापसी हुई है। वहीं गुजरात में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में चुनावी रिजल्ट के साथ ही आगे की रणनीति पर भी चर्चा की पूरी संभावना है। सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। सोनिया गांधी का जन्मदिन शेरबाग में मनाया जाएगा। होटल में सोनिया गांधी के जन्मदिन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। गांधी परिवार का रणथंभौर स्थित जोगी महल से पुराना नाता है। साल 1987 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी यहीं आए थे। उस समय राजीव गांधी के साथ बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी साथ थे। सभी ने यहां पर 7 दिन बिताए थे। प्रियंका गांधी अपने बचपन की यादें ताजा करने के लिए अक्सर रणथंभौर आती रहती हैं। प्रियंका गांधी तीसरी बार रणथंभौर पहुंची हैं। बीते वर्ष ही प्रियंका गांधी ने भी अपना जन्मदिन राजस्थान में मनाया था। तब विपक्ष ने भी प्रदेश की सरकार पर खूब सवाल दागे थे। We'll be right back.